हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम लोग जिस समझ चुके हैं कि वहाँ जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें एक ही फील्ड होती है, दैट वन इज़ ऑपकोड। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपकी दो फील्ड होती है, एक ऑपकोड और एक एड्रेस। तो एड्रेस फील्ड में क्या पॉसिबिलिटीज, ऑलवेज रिमेंबर, एड्रेस फील्ड आपकी वो लोकेशन बताती है जहाँ आपका डेटा अवेलेबल होता है। ऑपकोड एग्जैक्टली आपको कमांड बताता है कि एग्जैक्टली आपको टाइप ऑफ ऑपरेशन बताता है कि क्या आपको परफॉर्म करना है, किस डेटा पर परफॉर्म करना है। वो लोकेशन आपको एड्रेस फील्ड से मिल जाएगी। अगर डेटा आपका मेमोरी में अवेलेबल है तो मेमोरी एड्रेस एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होगा। अगर डेटा आपका रजिस्टर में अवेलेबल है तो दैट रजिस्टर नेम इज प्रेजेंटेड टू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। है ना, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, देखो यार एग्जाम में अगर आपसे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करने को बोला जाता है तो मैं आपको प्रीवियसली सेपरेट उसका एक लेक्चर बना चुका हूँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से कैसे रिलेटेड है ये, मैं आप लोगों को अभी प्रीवियस कुछ लेक्चर से वही सारी चीज़ें बता रखा हूँ। ठीक है, तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है जहाँ रजिस्टर इंक्लूड हो रहा है ना। तो देखो एक बारी थोड़ा सा थ्योरी हम लोग इसकी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखेंगे कि बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर, दिस आर्किटेक्चर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। ये दो पार्ट में इटसेल्फ, जैसे ये थर्ड टाइप है, पहला था आपका स्टैक, दूसरा एक्यूमुलेटर, थर्ड वन इज रजिस्टर। तो ये दो सब पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पहला आपका रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर और दूसरा है रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, मैं अभी बता रहा हूँ। रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी का नाम आ गया। देखो यार अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो अगर आप ही हम लोग प्रीवियस कुछ लेक्चर से ये देख रहे थे कि एक ऑपरेंड आपका अवेलेबल कहाँ होगा और दूसरा ऑपरेंड आपका कहाँ अवेलेबल होगा। अभी तक प्रीवियस लेक्चर से जो पढ़ गया उसमें ये था कि एक आपका ऑपरेंड मेमोरी से मिल जाएगा और एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर से मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना। तो और उससे प्रीवियसली आप लोग दोनों ऑपरेंड कहाँ से मिल रहे थे, तो टॉप ऑफ दी स्टैक में मिल रहे थे। यहाँ क्या होने वाला है वो अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो पहला है रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, दूसरा है आपका रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर। हे प्लीज़ ध्यान से आप लोग सुनोगे, थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अभी। तो कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द प्रोसेसर कंटेन्स लेस नंबर ऑफ रजिस्टर। देखो अगर यहाँ रजिस्टर टू रजिस्टर होता, वैसे ओवरऑल तो जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में ही ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, ये तो फिक्स है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट, देखो ध्यान से सुनना। टू ऑपरेंट्स को हमें ढूंढना है, एग्जैक्टली वन कहाँ पर होगा और सेकेंड कहाँ पर होगा वो आपको ध्यान से सुनना है। देखो वन ऑफ द एएलयू ऑपरेंट इज अवेलेबल इन द रजिस्टर, एक जो ऑपरेंड होगा वो रजिस्टर में अवेलेबल होगा, एंड द सेम रजिस्टर इज ऑल्सो एक्ट एज अ डेस्टिनेशन। ये लाइन आप स्किप कर सकते हो कि सेम रजिस्टर इज एक्ट एज अ डेस्टिनेशन। तो एक ए एल यू ऑपरेंड आपको मिलेगा रजिस्टर में, एंड अनादर ए एल यू ऑपरेंड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इज अवेलेबल इन आइदर इन मेमोरी और इन प्रोसेसर रजिस्टर। होपफुली अब आपको बात समझ में आ रही है। प्रीवियस लेक्चर में कुछ नहीं बताया गया था, जो एक्यूमुलेटर बेस्ड था कि एक ऑपरेंड का सोर्स फिक्स था कि भाई मेमोरी से आएगा, दूसरा कहाँ आएगा नहीं पता, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर था। यहाँ क्या है कि एक आपका जनरल रजिस्टर्स जो होते हैं, नॉर्मल जो रजिस्टर होते हैं जो स्पेशल पर्पस नहीं होते, एक आपका वहाँ से रजिस्टर से डेटा मिलेगा एक ऑपरेंड, और दूसरा मिलेगा आइदर फ्रॉम मेमोरी और फ्रॉम रजिस्टर। मतलब रजिस्टर रजिस्टर में भी डेटा अवेलेबल हो सकता है या रजिस्टर मेमोरी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं चीजें समझाऊं। और हाँ, एक सोर्स, जैसे मान लो सोर्स वन क्या है, रजिस्टर, सोर्स टू की पॉसिबिलिटी या रजिस्टर या मेमोरी, तो जो सोर्स वन है वही आपका डेस्टिनेशन भी होगा। तो मैं एक डायग्रामेटिक वे से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर जब एग्जाम्पल लूंगा तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। फुल कंसंट्रेशन आपका यहाँ होना चाहिए। देखो ये आपकी टेम्परेरी रजिस्टर्स गिवन है, इन टेम्परेरी रजिस्टर में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक सोर्स यहाँ हो, दूसरा सोर्स यहाँ, दोनों डेटा आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं और वहाँ से एक एक थ्रू एएलयू में जाएगा, और जो डेस्टिनेशन होगा किसी पर्टिकुलर आपके डेस्टिनेशन मतलब अदर किसी रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे। यही मैंने आपको जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सिखाया था, मक्स के थ्रू एक से रीड कर रहे थे, दूसरे से रीड कर रहे थे, घूम फिर के डिकोडर के थ्रू स्टोर कर रहे थे। वो डिटेल्ड आर्किटेक्चर था, यहाँ नॉर्मल बता रहा हूँ बस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को समझाने के लिए। तो देखो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि मान लो आपका डेटा एक आर टू में है और दूसरा आर वन में, एक सोर्स वन और एक सोर्स टू, या फिर अदर तरीके से सोचो, मान लो आपका सोर्स वन है आर वन और सोर्स टू आर टू, ये दोनों जाएंगे एएलयू में वन बाई वन,
और जाने के बाद इन दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा, जो रिजल्ट होगा कहाँ स्टोर होगा, सोर्स वन में. सोर्स वन इज ऑल्सो एक्ट एज अ डेस्टिनेशन, जो अभी मैंने आप लोगों ऊपर पढ़ा है. एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों ऑपरेंड आपके रजिस्टर्स में अवेलेबल हो. यहाँ एक और दूसरी पॉसिबिलिटी, चूंकि लेस नंबर रजिस्टर्स होते हैं, कि आपका जो डेटा एक तो फिक्स है कि रजिस्टर से मिलेगा, दूसरा आपका मेमोरी से भी मिल सकता है. तो देखो ये आपकी मेमोरी फील्ड दे रखी है मैंने, और मेमोरी फील्ड की एड्रेसिंग होती है. तो एक तो डेटा आपका मेमोरी से मिलेगा, दूसरा रजिस्टर से आएगा. जिस रजिस्टर से, इन चारों रजिस्टर के अलावा, देखो यार यहाँ मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे. तो जिस रजिस्टर से दूसरी वैल्यू आएगी वहीं जाके डेस्टिनेशन में आपका स्टोर हो जाएगा. अब इसमें इसमें जो है, अभी तक आपने पढ़ा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, फिर पढ़ा आपने टू एड्रेस वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और इसमें आप लोगों का स्टोर होने वाला है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन. कैसे, वही आप लोगों को ध्यान देने वाला हूँ, सॉरी समझाने वाला हूँ. देखो ध्यान से, यहाँ पर जो इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके से होगा. पहली फील्ड तो आपकी फिक्स होती है ऑपकोड, इसे बोलते हैं एड्रेस ऑपकोड फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो क्या बताता है टाइप ऑफ ऑपरेशन. और दूसरी होती है एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अगर सिंगल है तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अगर ये टू है. मान लो ध्यान से सुनना, इतना पोर्शन अगर आपका दो में डिवाइड है तो ये होगा आपका होगी एड्रेस ही फील्ड, तो ये एड्रेस फील्ड फर्स्ट और ये एड्रेस फील्ड आपका सेकेंड. मैंने शॉर्ट में लिखा है तो अभी आप लोगों को ध्यान से समझा रहा हूँ. ऑपकोड क्या बताता है आपका टाइप ऑफ ऑपरेशन, ठीक है. और टाइप ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन. बहुत पेशेंस के साथ सीखेंगे डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन. और सेकेंड वन इज योर एएलई ऑपरेशन. हाँ जी ठीक है. अब देखो क्या, तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन का मतलब होता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे वैल्यू ट्रांसफर होगी, देयर इज नथिंग स्पेशल. बहुत इजी से ऑपरेशन होते हैं, दो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ. एक लोड होता है और एक दूसरा क्या होता है आपका स्टोर होता है, जो कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन. तो एक बात बताओ, यहाँ जो भी खेल हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, रजिस्टर और मेमोरी. मतलब सोर्स आपका रजिस्टर हो सकता है, तो रजिस्टर से आप कहाँ जाओगे, रजिस्टर से आप लोग रजिस्टर में भी जा सकते हो सोर्स और डेस्टिनेशन, ये तो अभी मैंने सिखाया. या फिर रजिस्टर से कहाँ जा सकते हो आप, मेमोरी में जा सकते हो. या फिर आप कहाँ जा सकते हो, मेमोरी से रजिस्टर में जा सकते हो. इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस ध्यान से देखो. मतलब देर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट आपका, चूंकि रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू जा सकती है, एक रजिस्टर से मेमोरी में वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक मेमोरी से सोर्स आपका मेमोरी हो सकता है, मेमोरी से जो डेटा फैच करके ले गएंगे वो रजिस्टर में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है. और ALU के बारे में समझो, ये अभी मैं और एग्जांपल लेके समझाऊंगा. देखो सोर्स वन, सोर्स टू और डेस्टिनेशन, ये आप लोग मुझे बताओगे क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी. सोर्स वन क्या होगा, रजिस्टर. सोर्स टू क्या होगा, या रजिस्टर या मेमोरी, अभी मैंने बताया. और डेस्टिनेशन क्या होगा, सोर्स वन. ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो डेस्टिनेशन, जिस सोर्स से आपकी वैल्यू आई है वहीं आपकी स्टोर होने वाली है, ठीक है. अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान से समझो. पहला एग्जांपल, मैं डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन ले रहा हूँ. एक और डेटा ट्रांसफर आप लोग सीखोगे जिसका नाम होता है मूव. कहीं कहीं बुक्स में मूव लिखा होता है MOV, और कहीं कहीं MOV लिखा होता है. इसको मतलब आप समझ जाओ, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करना है. अगर सपोज दैट ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, अपकोड हो गया. ये एड्रेस फील्ड वन हो गई, ये एड्रेस फील्ड टू हो गई. तो ये कैसे काम करता है, मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करो. ऑलवेज हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ बसा लो, इधर वाला होता है वो सोर्स होता है, इधर वाला होता है वो डेस्टिनेशन होता है. ये चीज़ हमेशा ध्यान दो. लेफ्ट वाला जो होता है, तो इसका मतलब होता है R1 से डेटा मैं R0 में ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है. मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये जस्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मूव R0 और 4000. अब आप सोचो क्या होने वाला है, कोई मेमोरी लोकेशन एड्रेस. देखो यार, अगर यहाँ रजिस्टर नेम गिवन है, तो इसका मतलब है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू ट्रांसफर हो रही, जो कि मैंने यहाँ पर सिखाया रजिस्टर टू रजिस्टर. अब क्या है, मैं एक और सिखा रहा हूँ मेमोरी टू रजिस्टर, तीसरा वाला. देखो ये मेमोरी लोकेशन है, मतलब क्या होगा, मेमोरी लोकेशन होगी कोई 4000 पे. अच्छा आप सोच लो, टू एड्रेस फील्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है, कि एक डेटा आपका कहीं से आए, दूसरा डेटा कहीं से आए. और अभी समझाऊंगा, अभी पेशेंस रखो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा. देखो
ये तो सिंपल मूव ऑपरेशन है, तो मूव ऑपरेशन का मतलब क्या, आर नॉट मतलब मेमोरी लोकेशन 4000 से आपकी वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाए, आर नॉट में ट्रांसफर हो जाए, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। एक थर्ड ऑपरेशन ले रहा हूँ, मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ, मूव ट्रांसफर ऑपरेशन है। हाँ जी, सबको समझ में आ गया हुआ कि सर इसमें सोर्स जो है वो आपका रजिस्टर है, आर वन से डेटा किसी मेमोरी लोकेशन 5000 पे जा रही होगी, राइट? हाँ जी, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अच्छा चलो, ये हो गया डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, मैं ALU ऑपरेशन ले लेता हूँ। मान लो कि ये आपका यहाँ लिखा हुआ ऐड, ऐड देखते ही समझ जाओगे ALU ऑपरेशन, मुझे कुछ ऐड करना है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो मान लो आर नॉट और आर वन, सोचो मतलब मुझे एडिशन परफॉर्म करना है जिसमें एक रजिस्टर से डेटा रिसीव करना है। अच्छा एक बात, अब मुद्दा ये है कि इसमें सोर्स कौन सा होगा, जो पहला सोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये भाई रजिस्टर सोर्स वन, तो हमेशा ध्यान दो जो ऑपकोड के नियर अबाउट होता है लेफ्ट वाला, वही आपका सोर्स वन और डेस्टिनेशन होगा, और ये आपका सोर्स टू होगा। मतलब अगर आप इसमें ऑपरेशन देखो यार, देखो रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि पहला सोर्स तो फिक्स है कि रजिस्टर ही हुआ, दूसरे में क्या हो सकता है, या रजिस्टर नेम या फिर मेमोरी लोकेशन। होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये कैसे होगा, सोर्स वन लो आर नॉट प्लस दूसरी लोकेशन आर वन, मतलब आर नॉट से डेटा को रीड किया, आर वन से डेटा को रीड किया, और स्टोर कहाँ होगा, डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स वन, तो आर नॉट। बात समझ में आ रही है? तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहाँ यूज होंगे, जहाँ एक डेटा एक रजिस्टर में अवेलेबल है, दूसरा डेटा भी दूसरे रजिस्टर में अवेलेबल है, और सोर्स हमेशा बाई डिफॉल्ट यही होता है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा मान लो तीसरी पॉसिबिलिटी समझो मान लो कि यहाँ पर ऐड गिवन है, आर नॉट गिवन है, और यहाँ पर कुछ एड्रेस गिवन है, तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे सर एक डेटा आपका मेमोरी लोकेशन में गिवन है, 4000 है, ये सोर्स, ये कौन सा है, सोर्स टू, ये क्या है, सोर्स वन, और यही डेस्टिनेशन होगा, इसको किससे ऐड करोगे, आर नॉट से, और ये स्टोर कहाँ होगा, आर नॉट में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बताओ ये एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये सही है कि गलत है, बस आप लोगों को इतना बताना है। मान लो मैंने लिखा ऐड ऑपकोड फील्ड में, और यहाँ पर लिखा मान लो 5000, दिस इज राइट और रॉन्ग, हमेशा सोर्स वन यही होता है, सोर्स वन तो ऑलवेज, और ये सोर्स टू आपका, सोर्स टू तो समझ में आ रहा है रजिस्टर्स है। हमेशा ध्यान दो इस पूरे आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, जनरल रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, सोर्स वन हमेशा रजिस्टर होना चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सोर्स वन रजिस्टर होगा, सोर्स टू जो है वो आपका रजिस्टर और मेमोरी कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, मीन्स अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि देर इज लाइक वन डेटा और वन ऑपरेंट इज अवेलेबल इन योर रजिस्टर, दैट वन इज सोर्स वन, और एक डेटा जो है आपका या फिर रजिस्टर में होगा या फिर मेमोरी का होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर आपका रजिस्टर में डेटा है तो रजिस्टर नेम इज प्रेजेंटेड टू द एड्रेस टू फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इफ योर डेटा इज अवेलेबल इन द मेमोरी दैन मेमोरी लोकेशन ऑफ मेमोरी एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, सोर्स वन ऑलवेज फिक्स्ड, देर इज फिक्स्ड कॉम्बिनेशन R1 R1, ठीक है। मूव इज अ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, means if you want to transfer the data from one register to another register, one memory location to another register or register to memory, okay? इसके अलावा जो उसका second part है वो है आपका register to register reference architecture। पहला क्या था, register to memory, अब common sense समझ जाओ, register to register का मतलब है source one भी register होगा, source two भी register होगा, मतलब जैसे पुराने मैंने उस पर थ्योरी में बताया था कि लेस नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं, तो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट योर डेटा मे बी अवेलेबल इन टू द मेमोरी, बट देर इज नो केस इन द रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर, जो ऑलवेज रिमेंबर कि एक डेटा आपका रजिस्टर में अवेलेबल होगा, दूसरा डेटा भी आपका रजिस्टर में भी अवेलेबल होगा। तो देखो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द रजिस्टर फाइल्स कंटेन्स मोर नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक है, therefore the ALU operations are performed only onto the register, there is no case of memory, हमेशा जो भी operations होंगे register to register architecture में वो register के ही बीच में होंगे, जो मैंने आपको detail में पीछे पढ़ाया वो register to register architecture था। In this organization no register overriding, अभी आप लोगों को overriding का means नहीं समझ में आएगा, means ये है कि no register overriding का मतलब ये दो register same नाम के नहीं हो सकते, nothing else, ठीक है। कुछ theory और दो point और फिर example पे चल रहा हूँ, ओके, लोड का मतलब क्या होता है, मेमोरी से रीड करना, स्टोर का मतलब क्या होता है, मेमोरी से राइट करना, तो
तो लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू. देख लो, मेमोरी से रीड करोगे और सीपीयू में भेजोगे लोड, एंड सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू से रीड करोगे और मेमोरी में राइट करोगे स्टोर. तो ये दोनों ऑपरेशन यहाँ भी परफॉर्म होते हैं रजिस्टर टू रजिस्टर में, लोड और स्टोर. ठीक है, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द डेटा ऑपरेशन. मतलब अगर आपको, ध्यान से सुनना, रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर में सोच लो कि भाई जब रजिस्टर ही रजिस्टर हैं तो हम डेटा को मेमोरी से कैसे रीड करेंगे. मैंने तो अभी आप लोगों को ये बताया कि भाई यहाँ पर इस पूरे आर्किटेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा. लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यू वॉन्ट टू रीड द डेटा फ्रॉम मेमोरी, इन एनी केस ऐसा हो सकता है ना. तो इस केस में अगर आपको मेमोरी से डेटा रीड करना है तो एक इंस्ट्रक्शन लोड की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको राइट करना है तो स्टोर की जरूरत पड़ेगी. ये चीज़ ध्यान रखना, वो सेपरेट केस है. ठीक है, होपफुली धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करो. मतलब ये एक्सेप्शनल केस है लोड और स्टोर के. अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इस आर्किटेक्चर में कि आपको मेमोरी से डेटा रीड करना है तो आप लोड लिख दोगे और लोड का यूज़ करोगे स्टोर के केस में मेमोरी में राइट करने के लिए. अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रहा है कि टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन एंड थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ALU ऑपरेशन. मतलब देखो यार, मतलब क्या सोचो, मतलब ये है कि एग्जैक्टली अगर आपको, मैंने हमेशा प्रीवियसली से, मैं आप प्रीवियस लेक्चर से बता के चल रहा हूँ कि जो ऑपरेशंस होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेशन, वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, दूसरे होते हैं ALU ऑपरेशन. तो रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर में ये स्पेशल केस है कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करना है तो जो आपका डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप लोग टू एड्रेस फील्ड का यूज़ करोगे, मतलब ऑपकोड एड्रेस वन और एड्रेस टू. और अगर आपको ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ALU, तो आप लोग थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करोगे, एड्रेस वन, एड्रेस टू, एड्रेस थ्री. मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर टू एड्रेस और थ्री एड्रेस दोनों को सपोर्ट करता है, और रजिस्टर टू मेमोरी, ध्यान से सुनना, वो सिर्फ और सिर्फ टू एड्रेस को ही सपोर्ट करता है. अच्छा सोचो यार कि भैया, मतलब डेटा ट्रांसफर के लिए दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ रही, क्यों, काम तो वही करना है मेमोरी से सीपीयू. डेटा ट्रांसफर में क्या बता रहा हूँ, यहाँ तो रजिस्टर ही रजिस्टर है. अगर मैं थोड़ा सा हल्के बता रहा हूँ, लग रहा है मेरे को मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ. तो देखो, मतलब इफ़ यू वांट, जैसे हम लोग प्रीवियस केस में जो रजिस्टर टू मेमोरी था, वहाँ मेमोरी का यूज़ था, आप लोग मेमोरी से रीड कर रहे थे. तो मान लो अगर मेमोरी से रीड कर रहे थे तो कौन सा आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ कर रहे थे, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ना. तो वही तो केस है मेमोरी टू सीपीयू, तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन वही जो प्रीवियस अभी पढ़ के आए हैं वो. लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन में यहाँ पर टू एड्रेस, अभी मैं एग्जांपल लूँगा, टू एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन. फॉर ALU ऑपरेशन देर इज अ नीड ऑफ थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन. तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो. स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देन एक्यूमुलेटर मशीन वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देन रजिस्टर टू मेमोरी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देन रजिस्टर टू रजिस्टर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोथ. डेटा ट्रांसफर के लिए टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन और क्या रह गया आपका ALU ऑपरेशन के लिए थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन. थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन का भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसका डायग्राम समझो. देखो, मान लो कि अगर आपको ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन होगा वो कोई ना कोई रजिस्टर होगा. देखो यार, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए वो उसमें ये था कि मान लो ये लिखा हुआ है, जो अभी पीछे पढ़ के आए उसमें ये था R2 है ना. तो इसमें सोर्स वन ये, सोर्स टू ये और डेस्टिनेशन भी यही, मतलब इन दोनों का रिजल्ट भी R1 में होगा. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा इस वाले रजिस्टर टू रजिस्टर में. इसमें ये होने वाला है कि अगर मान लो आपका यहाँ ऐड है तो यहाँ R0 है, तो यहाँ R1 और R2, मतलब एक डेटा आप R1 से रीड करोगे, एक डेटा आप R2 से रीड करोगे, उन दोनों का एडिशन कहाँ स्टोर करोगे R1. मतलब डेस्टिनेशन ओवरराइडिंग नहीं होगी. अब समझ में आया ओवरराइडिंग का मतलब क्या है. ओवरराइडिंग का ये मतलब था कि सोर्स भी वही काम कर रहा है और डेस्टिनेशन भी वही काम कर रहा है. यहाँ देयर इज नो ओवरराइडिंग, एक के ऊपर एक नहीं, कि वही सोर्स वही डेस्टिनेशन हो, सोर्स वन, सोर्स टू और डेस्टिनेशन. इस तरीके से अभी एग्जांपल लेने वाला हूँ. तो मतलब ये रजिस्टर फाइल है, ये ALU है, देयर इज नो केस ऑफ मेमोरी. R1 से डेटा रीड करोगे, R2 से डेटा रीड करोगे, हो सकता है R3 में राइट करो, सब अलग अलग रजिस्टर होते हैं. तो ये ऊपर वाला पोर्शन बताता है ALU ऑपरेशन के लिए. सपोज द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब आपको डेटा मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू टू मेमोरी, तो उसके लिए आपको लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया.
आप लोग टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जानते हो, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑपकोड फील्ड होगी और थ्री एड्रेस फील्ड होंगे, एड्रेस फील्ड वन, एड्रेस फील्ड टू, एड्रेस फील्ड थ्री, मतलब सोर्स वन ये एक रजिस्टर, सब कुछ रजिस्टर होने वाला है तभी रजिस्टर टू रजिस्टर, सोर्स टू रजिस्टर, और डेस्टिनेशन अलग रजिस्टर। तो देखो मैंने यहाँ पर एक ये बता रखा है, तो सुनो भाई मैं दोबारा, ठीक है कि एक सोर्स आर वन आर टू, आर वन आर टू, और डेस्टिनेशन आपका ये, और ऐड आपका ऑपरेशन बताएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। तो मैं आपका एक बार ये रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनोगे। सबसे पहला आप लोगों ने क्या पढ़ा, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, वो किसको सपोर्ट करेगा, जीरो एड्रेस, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड फील्ड ही होगी, देयर इज नो एड्रेस फील्ड, बट स्टैंडर्ड में एड्रेस फील्ड होती है, ठीक। दूसरा था आपका एक्यूमुलेटर बेस्ड, एक्यूमुलेटर सपोर्ट करता वन एड्रेस फील्ड, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ दोनों पार्ट होते हैं, एक होता आपका ऑपकोड और दूसरी फील्ड होती है आपकी एड्रेस फील्ड, ठीक है। तो ऑपकोड, हर जगह का ऑपकोड आपका क्या बताता है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, और यहाँ पर एड्रेस फील्ड में क्या हो सकता था, रजिस्टर नेम या फिर मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन एड्रेस। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। थर्ड वन इज योर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। तो जनरल ये हो जाता आपका रजिस्टर टू रजिस्टर, सबसे पहले पढ़ा था रजिस्टर टू मेमोरी, तो रजिस्टर टू मेमोरी सपोर्ट करता आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, पहली फील्ड में होता आपका ऑपकोड, और कितनी फील्ड होती है एड्रेस फील्ड, दो एड्रेस फील्ड होती है, एड्रेस फील्ड वन, एड्रेस फील्ड टू। तो अगर आप लोगों को ध्यान दिया हो कि पहली फील्ड होती है सोर्स वन और दूसरी फील्ड होती है सोर्स टू, तो जो सोर्स वन होता है वही डेस्टिनेशन का काम करता है, और ऑलवेज रिमेंबर ये फिक्स होता है रजिस्टर, और दूसरी चीज़ होगी वो आपकी रजिस्टर या मेमोरी में मिलेगी, राइट, ठीक। दूसरा होता है आपका रजिस्टर टू रजिस्टर, इसी का पार्ट है ये आपका रजिस्टर टू रजिस्टर। तो यहां ध्यान से सुनना, हमेशा मैंने बताया जो ऑपकोड होता है वो आपका दो तरीके का ऑपरेशन बताता है, एक होता है डेटा ट्रांसफर के लिए और एक होता है आपका ALU के लिए। तो ALU डेटा ट्रांसफर के लिए यही फॉर्मेट होगा, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और जो ALU होगा उसका कुछ ये फॉर्मेट होगा आपका ऑपकोड, एड्रेस फील्ड वन, एड्रेस फील्ड टू, एड्रेस फील्ड टू। तो ऑलवेज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, देयर इज नो ओवरराइडिंग, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई रजिस्टर सोर्स है तो वही एज अ डेस्टिनेशन काम करेगा। एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर हम किसी रजिस्टर की वैल्यू को रीड कर रहे हैं टू, लेकिन जब हम उसी को डेस्टिनेशन बना सकते देंगे तो वो किसी और के साथ ऐड करके टू को, तो टू को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ सोर्स वन ये होगा, ये सोर्स टू होगा, और ये आपका डेस्टिनेशन होगा, सब कुछ अलग अलग होने वाला है ALU ऑपरेशन के लिए। और ऑलवेज रिमेंबर डेटा ट्रांसफर यहाँ पर जो होता है, क्योंकि चूंकि मेमोरी का कोई केस नहीं है तो हम लोग लोड और स्टोर यूज़ करते हैं, लोड आपका मेमोरी से रीड करने के लिए, स्टोर आपका मेमोरी में राइट करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। We will discuss the next topic in next lecture. Thank you.